इस बीच एक बड़ी खबर बहराइच से, आपको बता दें पचदेवरी में भेड़िया घेरा गया है। महर्षि इलाके में ये है पचदेवरी। शूटरों समेत वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। नदी का किनारा है पचदेवरी का इलाका। मौके पर वन विभाग की दो टीमें मौजूद है। दोनों तरफ से टीमों ने भेड़िए को घेरा हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की कि एक भेड़िया घिर गया है और टीमें लगातार मौजूद हैं पचदेवरी में। मासी इलाके में पचदेवरी पड़ता है। शूटरों समेत वन विभाग की टीम भी पहुंची हुई है। नदी का किनारा है पचदेवरी का इलाका। तमाम अधिकारी वन विभाग के मौजूद हैं। दोनों तरफ से टीमों ने भेड़िए को घेरा हुआ है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि कब तक ये भेड़िया पकड़ में आता है। राजीव हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, कैसे ये टीम काम कर रही है और कब तक भेड़िया पकड़ा जाएगा, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि एक भेड़िए को घेर लिया गया है। देखिए, आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, जिसके लिए कई टीमें लगाई गई हैं। और फिलहाल जो एक ये भेड़िया है, ये महसी इलाके के पचदेवरी में ट्रैक हुआ है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे घेरा है। चारों तरफ से घेराबंदी की गई है। कोशिश की जा रही है कि इसे किसी भी कीमत पर पकड़ा जाए, जिसके लिए जो वन विभाग के एक्सपर्ट्स हैं, जो शूटर्स हैं, वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसे पकड़ा जाए। जबकि दूसरी ओर ये जो टीम है, ये कई सेक्टरों में बांटी गई है। तीन सेक्टर्स में तीन डीएफओ के नेतृत्व में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि जो दोनों आदमखोर भेड़िए हैं उनको खोजा जाए। और इन दोनों टीमों, इन तीनों टीमों के साथ एक मोबाइल टीम भी चल रही है। जैसे ही सूचना किसी गांव में भेड़िए की मिलती है, तुरंत ये मोबाइल टीम वहां पर पहुंचती है और उसे घेरने का प्रयास करती है। तो कोशिश जारी है और उम्मीद भी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब जिस तरह से युद्ध स्तर पर वन विभाग ने ये कार्य शुरू किया है, उससे उम्मीद है कि ये आदमखोर भेड़िया जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और स्थानीय लोगों को इसकी दहशत से राहत मिलेगी। लगातार जो वन विभाग के बड़े अधिकारी जो लखनऊ के हैं, जो यहाँ कैंप कर रहे हैं, वो भी इन टीमों द्वारा किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका मौके पर जाकर निरीक्षण किया जा रहा है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इस दौरान सभी लोगों को जागरूक, दूसरी जो टीम ठीक है राजीव, तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहले नाराजगी और अब सख्ती का असर हम देख सकते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबर नोएडा से, जहां पर पैसों के विवाद को लेकर फेज टू मंडी में दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से काफी देर तक जमकर लाठीबंदी चल रही है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रखा है, जिसमें लाठी डंडों के साथ साथ कुर्सियां भी फेंकी गई हैं। मारपीट की घटना रिकॉर्ड हो चुकी है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के चार लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। फेज टू थाना क्षेत्र के फूल मंडी की ये घटना है।